मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इजाजत लेके अभी इसलिए जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भयानक बाढ़ की स्थिति है। उत्तरी मध्य प्रदेश, शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर का भी एक हिस्सा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। अभी भी जब मैं यहाँ आया तो इसलिए आया कि मुझको केंद्रीय नेतृत्व के साथ कुछ चीजें कोऑर्डिनेट करनी थी। भिंड और मुरैना के लिए भी हमने आर्मी बुलाई है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन, हमारी पुलिस बचाव के काम में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रदेश के 4 जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ प्रभावित शिवपुरी में फंसे 3 लोगों को बचा लिया है और अन्य 5 के लिए बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की आपद बैठक बुलाई है। बता दें कि प्रदेश के शिवपुरी, शिवपुर, ग्वालियर और दतिया में लगातार हो रही बारिश से लगभग 1171 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवपुरी में 200 से ज्यादा गाँव जलमग्न हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बचाव अभियान में 22 गांव से अनेक लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दरअसल शिवपुरी में मौसम खराब होने के कारण अभियान में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने बताया कि शिवपुरी, शिवपुर, ग्वालियर और दतिया जिलों में बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी हर पल की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा अब तक 1600 लोगों को बचाया गया है, जबकि 200 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और उफनाई नदियों के चलते विकट स्थिति बनी थी। नदियां उफना रही है और कई राज्य भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए थे। मध्य प्रदेश के 394 से ज्यादा गांव में बाढ़ ने तबाही मचाई थी। मध्य प्रदेश में पिछले महीने से बारिश के कारण होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई थी। प्रदेश में स्थिति इतनी विकराल हो गई थी कि जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए शनिवार को सेना और एनडीआरएफ को उतारा गया था। राज्य के 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। मित्रों, मध्य प्रदेश, विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना, इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे, शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। SDRF, NDRF, आर्मी, BSF सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।